मसला हल कर इस महल ने रौला पाया। अब आप अगर देखे तो ये सारा अगर आपको दिखा सके बेटा इधर उधर थोड़ा सा ये कुत्ते मरे हुए इस पानी के अंदर और ये जो पानी है सारा पानी अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जो है वो सारा डेंगी मच्छर की जो है वो अफजाइश हो रही है। तरह तरह की यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ हैं और ये इलाका मकीन यहाँ पर खड़े हैं सारा सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आप ये देख सकें ये सारा इलाका है मकीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये आबिद शेर अली की जो है वो असल कारकर्दगी है और हल्के की जो सूरत हाल है वो आपने बड़े आपने बखूबी अच्छे अंदाज से आपने देख ली कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो पानी खड़ा है और किस तरीके से जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदर मौजूद हैं। बड़े बड़े तरक्की के दावे करते हैं आबिद शेर अली और कहते हैं कि हर सब अच्छे की आवाज़ है लेकिन अपने इलाके के अंदर जो है इनकी कारकर्दगी 0/0 है। पानी पीने का साफ मौजूद नहीं है, गटर का निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है, हेपेटाइटिस जैसी मोजी बीमारियों के अंदर लोग मुब्तला हो रहे हैं, बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो चुकी हैं, एलर्जी हो चुकी है उन्हें, ना यहाँ पर बिजली के खंभे हैं, मसूफ वज़ीर पानी और बिजली हैं लेकिन इलाके में बिजली के खंभे मौजूद नहीं है, गैस का सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही कसूर है कि ये लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, पाकिस्तान का आम तबका है जिनकी सुनने वाला कोई नहीं, इनकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं। और यहाँ के लोगों ने ये इरादा कर लिया है कि जो इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर बैठ के इन लोगों ने यहाँ पर इरादा किया है कि अगर ये इनके इलाके के जो मसाइल हैं वो अगर हल ना हुए तो इस इलाके का गंदगी को कूड़े के ढेर को उठाएंगे और आबिद शेर अली के घर के बाहर फेंक के आएंगे। आप तैयार हैं ये काम करने के लिए?